अभी तो डायरेक्टली करने में ये चीजें भी है, लोकल लेवल पे भी काम आते हैं, क्योंकि वो ईयू डिस्ट्रिक्ट लेवल भी तो लोग यहाँ पर भी तो मौजूद है। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में, गुजरात में इस वक्त जल्जले के शदीद झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं, और इस वक्त जो है वो शदीद जल्जला जो है वो गुजरात में महसूस किया गया है, और भी शदीद तरीन झटके जो हैं वो जल्जले के अभी महसूस किए जा रहे हैं गुजरात के अंदर। और इसके अभी जब इत्तला आएंगी कि ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ये जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इस वक्त हमारे इस लाइव शो में हम आपको बताएं कि गुजरात में जल्जले के शदीद महसूस किए गए हैं, और इसके बाद जो है वो काफी खौफ-ओ-रास भी हमें देखने में नजर आ रहा है। जो मुख्तलिफ लोग थे वो हमारे दफ्तर के अंदर भी, मैं आपको बताऊं कि अचानक एक खौफ की लहर दौड़ी है, और शदीद किस्म के ये जल्जले के झटके जो हैं जो गुजरात के अंदर महसूस किए गए हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। गुजरात में नाज़रीन शदीद जल्जले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। मौजूद डॉक्टर नबील जी वो बता रहे हैं जी, गुजरांवाला में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, और मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदे वहाँ पे झटके महसूस किए। जो भी तफसीलात आती हैं आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर नबील साहब आपका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए वक्त देने का। नाज़रीन ये था हमारा आज का फ्रंट लाइन। दुआ करें कि अल्लाह साहब को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, और तमाम लोगों को जो है वो खुशियां नसीब करे, और इस तरह की आफात से तमाम दुनिया को बचाए और पाकिस्तान को भी बचाए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त शाकिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है।